अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शान अकेडमी। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप स्टूडेंट से शेयर करनी थी। इस न्यूज़ के हवाले से आप थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे वो वाले स्टूडेंट्स जिनका ज़्यादातर ताल्लुक सोशल मीडिया से है, जो सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप पे डिपेंड करते हैं, जो हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं कि पेपर लीक हो जाए और पेपर का पता चल जाए और तैयारी भी ना करनी पड़े और पेपर भी हमारा ठीक हो जाए और हम पेपर पास कर जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक बुरी खबर आई है, जो बोर्ड की तरफ से ये खबर जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि हाथ से लिखे हुए पेपर जो है ना, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर किए गए हैं और उनमें कहा गया है कि ये बोर्ड के पेपर हैं और ये लीक हो गए हैं और यही पेपर जो है, यही जो क्वेश्चन पेपर है ये आएगा पेपर के दौरान और ये हाथ से लिखे गए थे। तो इस पर बड़ी सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है, अगर कोई अब पेपर शेयर करेगा हाथ से लिख के या किसी भी तरीके, तो ऐसे तमाम अनासर के ख़िलाफ़ बोर्ड के एक्ट के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे अनासर को 2 साल सज़ा भी हो सकती है या 50,000 जुर्माना या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। इससे रिलेटेड ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये आपको नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि अगर कोई आदमी कोई पेपर शेयर करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करने वाले को सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये असल पेपर ही लीक किया जाए, बल्कि फेक पेपर भी अगर लीक किया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।